आज आपके लिए लेकर आए हैं भाई भारत का पहला 4x4 ट्रैक्टर HMT 5611, जो कि भारत का पहला ट्रैक्टर है भाई 4x4 के अंदर। आपको ये ट्रैक्टर तो बहुत मिल जाएंगे 4x4 और कंपनी के भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 5611 4x4 नहीं मिलेंगे। पहला ही ट्रैक्टर है ना भारत का अक्षय भाई। बिल्कुल भाई, पहला ट्रैक्टर है और आप हमारे इसी चैनल के थ्रू देख रहे हैं पहला ट्रैक्टर। हाँ, सही है, ठीक है। और भाई ऐसा दानव है ना, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हाँ। क्योंकि 5611 ट्रैक्टर ना अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा टीले जो है ना, टीले बनाने, टिब्बे टिब्बे बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो बदनाम ट्रैक्टर था ना वो यही था। इसलिए है ना, हाँ, जमीन ने जो पद्धर की थी ना, जो आज अपने जमीन में कणक गेहूं बो रहे है ना, वो इन्हीं की देन है। क्योंकि इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता था। बड़े बड़े टिल्ले जो देखने को मिलते हैं ना, वो इन्हीं से तैयार किए थे। किसने तैयार किया है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। मैं भाई साहब जानकारी देंगे आपको। हाँ। पहले मैं मोटा मोटा बता दूंगा, थोड़ा वो आएंगे अपने साथ में, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए 4x4 की है ना ये। हाँ हाँ, सोनालिका का हिस्सा लगा रखा है। सोनालिका का हिस्सा लगा रखा है। सारी स्पीड में काम करेगा भाई, एकदम प्रॉपर काम करेगा। कोई सा भी गियर लगाओ। हाँ हाँ, पीछे भाई बोल रहा है 15 हड़ है ना। हाँ हाँ, वो खींच के पूरी मंजी ठोक के बोलते हैं पंजाबी में इधर। हाँ हाँ, मंजी ठोक। हाँ, हाँ, हाँ वो लगाओ। अच्छा, कोई चक्कर नहीं। जैसे 9 हड़ खींचता है ना। हाँ हाँ, वैसे 15 खींचेगा। 15 खींचेगा। हाँ, कन्फर्म है। ट्राई किया भाई? ट्राई। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर, अगर आप ट्रैक्टर तैयार करवाना चाहते हो, ठीक है। हाँ हाँ, इनका गांव है भाई रूपा भाई नाम से गांव है इनका। हाँ, 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 वहाँ पे इनकी रूप एग्रो नाम से वर्कशॉप है। अच्छा, वहाँ पे आओ। ये इनका खुद का ट्रैक्टर है, डेमो के लिए ये। अच्छा, ये डेमो के लिए है। हाँ, इससे डेमो लो और उसके बाद में तैयार करवाओ। जो भी आपको करना है ना, 4x4 गियर लगाओ इसका। हाँ हाँ, कितनी ताकत है इसके अंदर वो अजमा के देखो, उसके बाद में तैयार करवाओ। तो भाई इसके अंदर इंजन कौन सा है इसका? सेम इंजन है क्या? खुद का इंजन है इसका। कितने हॉर्स पावर? वो तो 85 हॉर्स पावर है भाई। 85 अचंभी तो ना सुन के यार, ये तो 59 आता था ना शायद। भाई साहब इसका जो बोर स्ट्रोक बोलते हैं ना। हाँ हाँ, 105 mm का कर दिया इसका। 105 mm पहले 100 का आता था। अच्छा, जो वो है ना इसकी बैकअप टॉर्क बोलते हैं इसे। हाँ हाँ, वो ज्यादा हो गई है। एयर सक्शन की मात्रा है। हाँ हाँ, वो ज्यादा हो गई है इसके अंदर। अच्छा, तो ये 85 हॉर्स पावर का अभी। और बाकी इसके कलर कौन सा? 2K पेंट भाई इसके अंदर। अभी 2K पेंट है, चमक मार रहा है ना। जैसे देखिए देखिए कितना शानदार, ठीक है। और ये है ना, ये 7 की है यार। इसका प्लेटफॉर्म भाई ये करते हैं, प्लेटफॉर्म होता नहीं है इसे। पहले आता था ना। हाँ, वो तो नीचा वो था, बहुत नीचा था भाई। हाँ हाँ, अभी देखिए जैसे आजकल ट्रैक्टरों में आता ना नए में, वैसा लग्जरी फील करवा रहा है। हाँ, देखिए कितना। बाकी ये इसके अंदर लगा दिया है अलॉसमेंट करने के लिए। करके दिखाओ यार एक बार, देखिए ट्राई करें। बटन लगा दिया। शेयर का बोल दो और फॉलो का बोल दो। तो दोस्तों जो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को दबके शेयर जरूर कर दे यार, ठीक है। ये बात सही है यार। और ये अलग अलग मोड दे रखे हैं, हॉर्न के लिए, सायरन के लिए, जो भी करना है ना वो तो अपने बजाएंगे नहीं। क्यों? वो तो हाँ सही है वो इसका। बाकी इसमें टायर कौन से है? पिछले वाले भाई, पिछले टायर बताऊंगा एक बार। 4x4 का गियर बता दूंगा। अरे 4x4 का गियर यहां पे है क्या? हां, ये देखिए भाई, जेन्युइन काम किया, टोटल जेन्युइन। जैसे आता था ना पहले, उसी प्रकार का बना दिया है। बाकी 1639 के पिछले टायर मिलेंगे। 1639 के है क्या? हां, ये भाई साहब है। अच्छा, क्या नाम है? ओनर है ना रूप एग्रो, तो ये दो भाई है, ठीक है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? पहले बताइए नाम, बताइए भाई साहब अपना। बलतेज सिंह है मेरा। बलतेज भाई, ये मतलब गांव आपका मैंने पहले बता ही दिया, एक बार आप और बता दो। गांव जिला बठिंडा है। हाँ हाँ, रामपुरा के पास भाई रूपा गांव। भाई रूपा गांव से, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन करते हैं भाई साहब, क्या आप एक्सपर्ट सिर्फ 5611 के हो या और भी करते हो मॉडिफिकेशन में? अभी स्पेशलिस्ट है जो। अच्छा, तो 5611 की। अच्छा, 5611 की। 5611 इसके तो भाई एक नंबर के, मैंने पहले भी बताया ना, सर्जन है या डॉक्टर है 5611 के, ठीक है। भाई साहब इंजन वगैरह का काम खुद ही करते हो घर पे? सारा ए टू जेड काम, मैकेनिकल का। अच्छा, और मॉडिफिकेशन का टोटल खुद ही करते हो? टोटल पेंट का सारा टोटल खुद ही करते हैं। तो ये कंपनी फिटेड ही मटगार्ड है क्या भाई साहब? कंपनी वाले मटगार्ड है ये? आप देखें ना, बताएं आप कैसे लगते हैं भाई साहब? ऐसे लग रहे हैं यार, कंपनी के साथ में आते हैं वही मटगार्ड है। और टैंक भी ऐसा ही लग रहा है, फ्यूल टैंक है ना जो, वो भी ऐसा लग रहा है कंपनी वाला ही है। क्या मामला है इनका? मामला आपके सामने ही है, देखिए भाई साहब। सच बताओ यार, सच बताओ इसका। जी, हाथों का काम है।
अच्छा देख लो भाई, जो ओरिजिनल आता है ना सेम टू सेम वैसा बना दिया। देखिए मटगार्ड वगैरह हो गया, फ्यूल टैंक हो गया, ठीक है, बहुत ही शानदार काम किया है इन्होंने। बाकी देखिए भाई एक और देखिए प्रोटेक्शन दे दी है इसकी पूरी, और जैसे जेन्युइन आते हैं ना 4x4 सेम टू सेम उसी प्रकार का 4x4 किया है इसको, ऐसे नहीं भाई जुगाड़ लगा के कर दिया, वो काम नहीं है। तो क्या HMT जो सीरीज है अपनी ट्रैक्टरों की उसमें सभी ट्रैक्टरों को 4x4 कर दोगे? अभी सोच रहे हैं अभी कौन कौन सा और करना है। अच्छा अभी जो इस ये पहला किया है। अच्छा ये पहला है। हाँ। अच्छा इसके बाद में और भी करेंगे और भी मतलब। ये तो इनका आपका ही ट्रैक्टर अभी डेमो के लिए किया है, ऐसे नहीं है अभी कोई किसान आ गया हाँ भी कर देंगे 4x4 अपनी तरफ से करके दे दिया बाद में चले ना चले, वो काम नहीं है। इन्होंने पहले खुद चेक किया है, ट्राई किया है भी हाँ कैसे चलता है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसान को इतने पैसे लगा रहा है, ठीक है। बाकी ये भाई साहब ये मॉडिफिकेशन सारी हम आप ही करते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही करते हैं। डाउन सीलिंग वगैरह देखिए कितनी शानदार की हुई है अभी आजकल, नहीं ये डाउन सीलिंग का ट्रेंड चल रहा है इसमें, ठीक है। आप कोई भी फोटो लगवा सकते हैं, इन्होंने तो खुद का है जो लोगो लगा रखा है। बाकी म्यूजिक सिस्टम देखिए भाई बहुत तगड़ा म्यूजिक सिस्टम है, मुझे लगता है भाई 1,00,000 से तो पार निकल गया होगा आराम से म्यूजिक सिस्टम। देखिए भाई ठीक है, और ये देखिए भाई पिछला हिस्सा देखिए भाई साहब थोड़ा सा होना है यार साइड में सेम, ये देखिए यहाँ पे ये है ना हुड ऊपर नोपी है, इसको लगाने के लिए किस प्रकार से सपोर्ट लगा रखी है देखिए कितना शानदार जेन्युइन काम किया है इन्होंने, ठीक है। बाकी काफ़ी शानदार है भाई, कलर वगैरह हो गया, इंडिकेटर देखिए 16 वाले इंडिकेटर है। बाकी आपकी मर्जी पे भी लगवा सकते हैं ना जो कस्टमर चाहे उसके हिसाब से लगवा सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए भाई इसमें देखिए यहीं पे गियर स्पीड है इसमें, ये 5 गियर वाला है ना फिर 59/11 तो पूरा साइन वगैरह ये भाई साहब फिर मतलब बनवाने पड़े ना आपको, ये बाद में बनवाने पड़े भाई साइन वगैरह जो मीटर, तो ये आजकल आते हैं इसके क्लासिकल वाले डिजिटल भी आते हैं इसमें। अच्छा डिजिटल भी लगा सकते हैं, ठीक है डिजिटल मीटर भी लगा सकते हैं। बाकी ब्रेक कौन से हैं फिर इसके, वही सेम पुराने वाले? हाँ पुराने वाले हैं। अच्छा उसके बारे में ना सोच रहे हैं। अच्छा तो पहले इधर दिमाग था हाँ वो भी करके इस बार नहीं निकालेंगे, क्या है कि कॉपी नहीं करने देंगे ना लोगों को, कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे। बहुत ज्यादा कुछ सोचा है इसके लिए तो, ठीक है 59/11 के लिए मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है अभी जो कंपनी से ट्रैक्टर आता था ना वो उस प्रकार का ट्रैक्टर आप भाई जो रूप एग्रो वाले है ना इनसे बनवा कर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना, और इसको इसकी जो शो है ना सिंगल पीस बोनेट के साथ में इसको भी चकता कर दिया भी आगे से पूरा उठा सकते हैं आप अपने, ठीक है। देखिए ऐसे नहीं ब्रदर खींचना पड़ेगा इसको, ये देखिए इस प्रकार से, और इसमें है ना डबल बैरल लगी हुई है भाई, बड़ी आसानी से बोनेट ओपन हो जाएगा क्योंकि लंबा बोनेट है पूरा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ड्राई टाइप का आपको इसमें एयर फिल्टर है वो देखने को मिल जाएगा, और जिटर इंजन दिया है भाई 4 सिलेंडर में दाना भाई ये 85 हॉर्स पावर का, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है कीमत वगैरह क्या रहती है वो इनसे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को दबके शेयर जरूर कर देना भाई, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ड्राइविंग व्यू देखो भाई इसका किस प्रकार से, ये इसके मीटर वगैरह लगे हुए हैं, और ये देखो भाई ड्राइविंग व्यू देखो यार क्या शानदार चीज़ लग रही है यार, घोड़ा लग रहा है घोड़ा।